गुरुवार सुबह से ही मृतिका सारिका के परिजन और रिश्तेदार धवली बावड़ी से बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मृतिका के शव वापस लाने के लिए हंगामा किया। मायके पक्ष के लोग शव को वापस लाने के लिए मंडला पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ झूमा झटकी भी की। शव को वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। परिजनों ने मृतिका के ससुराल पक्ष वालों पर प्रताड़ित करने और मारने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उधर टीआई तारिश कुमार सोनी ने मृतिका का पक्ष के लोगों की बातें सुनकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मायके पक्ष के लोगों के बयान अंकित किए गए। दोपहर 3 बजे 24 घंटे के बाद मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल से सीधे मृतिका के शव को लेकर स्थानीय शीतला माता घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने प्रारंभिक बयान कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि नवविवाहिता के प्रकरण में जाँच एसडीओपी रैंक के अधिकारी करेंगे। जगदीश मोहल के पास मोबाइल नंबर सभी गए वहाँ पे, पर उन्होंने ना उनके पापा को फोन लगाया, ना परिवार में फोन लगाया, किसी को फोन नहीं लगाया। वो दूसरे आदमी के थ्रू ही फोन लगा के बताया कि ये घटना हो गई, तबीयत खराब हो गई करके उनके नाना जी और नानी जी को फोन लगाए। उसके बाद में उसके पापा को पता चला। पापा वहाँ से आए हॉस्पिटल में आए, देखा और उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने पहले साइन करवा लिए, साइन करवाने के बाद उनको अंदर भेजा, उनको डेड बॉडी दिखाई, उसके बाद पोस्टमार्टम करवा दिया, उसके बाद ये घटना हुई। पर पहली बात तो ये होती कि सर, कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करेगा या फांसी लगाएगा तो पुलिस वहाँ जाएगी, तहकीकात करेगी कि किस कारण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद पंचनामा बनता, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। डेड बॉडी वहाँ मर गई, उसके बाद डेड बॉडी स्वयं वो लेके आ गए और लेके यहाँ रख के भग गए। वो अभी वो है नहीं यहाँ। वो यहाँ अगर कभी उनका अगर चाहत रहती तो उनके सास ससुर, उनके पति और उनकी फैमिली से कोई भी यहाँ रहता, बट वो यहाँ कोई है नहीं यहाँ। कुल मिला के वो अपराधी है और हम ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ा सजा मिले और जहाँ तक जाए वहाँ तक जाना पड़ेगा, हमको जाएंगे और उनको अपराध करना पड़ेगा और उनको जेल भिजवा के ही रहेंगे। हमारा ये निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे से आगे अधिकारी के पास जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमको ये लगता है कि उन्होंने मर्डर कर दिया, कुल मिला के मार दिया उनको, गला घोट के या किसी भी कारण से, ये तो हमको भी नहीं पता। अगर ये सूचित रहती, अगर सर अगर वो मर्डर करते या आत्महत्या करते तो वो सबसे पहले किसको फोन लगाते, मायके वालों को, कि तुम्हारी लड़की ने ऐसे कर लिया। वो ये कौन लगा था, उनका पति या उनका ससुर, उन्होंने फोन भी नहीं लगाया उनको और उनको बताया भी नहीं कि क्या निर्णय हुआ। नहीं, हमको कुछ नहीं पता वो कहाँ है, उनके फैमिली और उनके परिवार से कोई नहीं है। अगर ऐसा रहता तो वो यहाँ आके बता करते कि क्या हो रहा, बट वो आए नहीं क्योंकि वो अपराधी है, तो वो कहाँ से आएंगे। अंतर चौहान, बंगला पर गया था तो एक मजदूर ने बताया हमको कि हमारा नाम मत लेना, बोले कि तुम्हारी लड़की रात माँ की मार डाली थी और ये चुतिया बना रखी है ना, रस्सी टी टांग दी थी, बोले कि सुबह से ले गया, बोले कि धर्मपुरी हॉस्पिटल, बोले कि मरी हुई होती, बोले कि ऐसा बोला। हम चाहते हैं कि हम रवि को और मोहेल को और सब चारे उनको उनको बोले कि उनको यहाँ ला, वो लड़की का कौन लाया, बोले कि तो सब भाग गया, कोई नहीं आया, बोले कि दोनों बाप बेटे को लाओ और वो की सास को पिलाओ और उसका जेठ को पिलाओ, बोले कि सबको परिवार को बोला, तो बोले कि कोई भी नहीं है, बोले कि कौन लाया, तो बोले कि नौकर लाया था, नौकर क्यों लाया था, नौकर को भी मेरे को बताओ, बोले कि मैंने बोले तो सभी उनको कहे पुलिस वाले हैं, वो उनको कहे कि यहाँ से लाश मत ले जाना, हमको झूठ क्यों बताया और किसने लाया हमको बता दो, बोले कि तो कोई नहीं बताया, कि बोले कुछ नहीं बताया, बोले कि कुछ नहीं बताया, तो जबरदस्ती आते के आते साथ में गाड़ी पर से उतर तक साथ में उसके झूठ बोल के उसके नाना जी से साइन करा ली और उसके पापा जी भी साइन करा, बोले कि फिर देखना तुम्हारी लड़की के, बोले कि ऐसा बोला। हम चाहते है कि कार्रवाई करवाने चाहते और उनका जेल होना चाहे और रवि का फांसी का फंदा होना चाहे, मेरी लड़की के जैसी फांसी लगाई वैसी मेरे होना लड़की लड़का की, क्यों मेरे लड़की के हम देते नहीं थे, जबरदस्ती शादी करके 10 बार का देखना के क्या था ये, और हमको लड़की पसंद आएगी, बोले कि है की है लड़की हम बनाएंगे, बोले कि हम बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है और वो अनाज भी नहीं खाने की, हम गरीब लोग है, हमारे गरीब की लड़की है बेटी, तो बोले कि सब हम दे देंगे, बोले कि जगदीश मोहल की बोले और उसका घरवाला भी बोले थे झूठ बोल के ऐसा बना के क्यों लाया, क्यों मार डाली छोरी को और क्यों झूठ बोले के फांसी लगा मारी नहीं, क्यों लाया, और हम फांसी का फंदा होता तो हम वहाँ देखते और हम हमारे सामने छोड़ते और पुलिस वाले भी देखते तब हम मानते, क्यों ले